हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर है एनबी ब्लॉग्स की मोहतरमा, और आप लोग पूछते हो ना कि एनबी ब्लॉग्स आपके क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब लोग, आई होप करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो किस पे होने वाला है ये आप सभी लोगों को थंबनेल एंड टाइटल में पता चल गया होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे चाचू आ रहे हैं एनबी ब्लॉग्स, जो कि सभी लोग आप लोग जानते होंगे। मैंने बर्थडे का भी उनका ब्लॉग बनाया है, और पिछली बार जब लास्ट टाइम आए थे तभी भी हम लोग शूट किए थे साथ में। तो वो आने वाले हैं, वो भी किस से, अपनी मोहतरमा यानी कि KTM ड्यूक 200 से। मुंबई से आ रहे हैं, होम टाउन अपने बस्ती सिटी अपने, तो होम टाउन अपने आ रहे हैं, उनका मेन होम टाउन है बस्ती सिटी। और सबसे बड़ी इसमें बात ये है कि वो नॉन स्टॉप आ रहे हैं, मुंबई टू उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। तो हम लोग उनका स्वागत करने जा रहे हैं एक स्वैग से, समझ लो। तो अभी कल वो सुबह को 5 बजे निकले हैं लगभग, तो हम लोग गैस लगाए हैं कि वो 10 बजे आज सुबह को पहुँच जाएंगे। तो अभी देखते हैं एंड उनको रिसीव करने वहाँ पर चलते हैं अपनी गड्डी लेके, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, काफ़ी मस्ती भी होने वाली है। तो इस ब्लॉग को मिस मत करना, पूरा देखना। तो भी इंतज़ार करते हैं सिर्फ आने का। तो राइट नाउ अभी खबर मिली जस्ट मुझे कि मतलब मेरे चाचू पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल बस्ती। बिना टाइम वेस्ट किए अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग चाचू को रिसीव करने, एक तरह से रिसीव ही करने, बिकॉज वो बाइक से तो आ ही रहे हैं, हम लोग रिसीव करने नहीं जा रहे, बट मतलब उनके स्वागत में हम लोग जा रहे हैं, समझ लो। तो अब टाइम हो चुका है 11:05 शायद हो रहा है, मैं टाइम देख के आ रहा हूँ अभी, तो 11:05 हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल निकलने का टाइम आ गया है, तो चलते हैं और स्वैग से स्वागत करते हैं उनका, और देखते हैं क्या होता है आगे। चलो अभी हम लोग वहीं पे देखे ना, तो मैंने इधर ले लिया। फिर हमारे एनबी ब्लॉग्स चाचू हमारे आ चुके हैं फिलहाल हमारे गांव में अपने मोहतरमा को लेकर। The next day. Okay, so अब फिलहाल बारी आ चुकी है कि एनबी ब्लॉग्स को हम अपने वीडियो में लेके आए। तो देख लो इधर कौन खड़ा है अभी फिलहाल हमारे साथ। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आज कल हम आए थे और आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है हमको, आज जुमा था इसीलिए मैं कल शूट नहीं कर पाया, क्योंकि ये राइड करके आए और तुरंत बाइक से उतरे, तो मैंने उतना फोर्स भी नहीं किया कि आप मेरे ब्लॉग में बोलो। चल चल के बातें करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए हमारी पब्लिक को कि मतलब आपका राइड कैसा गया ये वाला राइड। देखो 16 मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि राइड इज इक्वल टू मेमोरीज होते हैं, तो बहुत सारे मेमोरीज हमने बनाए, बहुत नए लोगों से मिला भी, बट प्रॉब्लम्स भी उसमें होते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग, मतलब अगर आप अच्छी प्लानिंग करके निकलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यही है पहले प्लानिंग, मैंने अपने वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। और अभी फिलहाल आप कैसे हो, बेटर फील हो रहा है कि नहीं? अभी आई थिंक 70% बेटर फील कर रहा हूँ मैं, कल परसों तक आई थिंक 100% चंगा हो जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट आ रहा है, कंटेंट बहुत तगड़ा तगड़ा आने वाला। और आप लोग पूछते हो ना कि एनबी ब्लॉग्स आपके क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, ये सबसे बड़ी बात, बहुत लोग पूछते हैं क्या आपके एनबी ब्लॉग्स क्या लगते हैं क्या हो आप, तो आप बता दीजिए। क्या मैं बताऊँ, हम इनके चाचू हैं। हाँ, ये हमारे चाचू यानी कि अंकल, हमारे जो अब्बू हैं वो भाई हैं इनके। यस, तो हमारे इनके जो अब्बू हैं हमारे बड़े भाई हैं, भ्राता श्री, बिग ब्रदर। और हमारे साथ हम ऐसे ही नहीं हम लोग व्लॉग करते, हमारे पीछे ऑडियंस भी रहती है, हमें सुनती है बराबर। टीम होती है पूरी। हाय कर दो आप लोग। सर हाय। हाँ, तो अभी फिलहाल हमारे चाचू का कुछ वीडियो क्लिप शूट करना था इधर, तो अभी हम लोग वो शूट करेंगे जाके, क्योंकि इनका भी वीडियो शायद जब देख रहे होगे तो आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा मे बी, तो ये शूट करना है, तो चल के अभी फ़िलहाल शूट करते हैं। और काफ़ी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि बहुत तगड़ा व्लॉग बनने वाला है चाचू का हमारे, तो देखते हैं चल के, और फिलहाल आगे बहुत मस्ती होने वाली है। चलो और क्या, चलो चलो देखते। तो भाई साहब, जब बीच में मैंने हॉल्ट लिया हुआ था पानी ब्रेक, तो वहाँ पे हमें एक अंकल मिले जिनको कहा कि क्या आपकी शादी हो गई, आप तो अपने बाल बच्चे के पास जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो, ये हाल चाल है आप सब, चश्मा कैसा लगा? तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको दिखाई ही नहीं इस ब्लॉग में, तो नहीं दिखाऊंगा तो बहुत बेकार हो जाएगा सीन। तो जिस चीज़ पे हमारे एनबी चाचू सवार होकर आए हैं वो है मोहतरमा KTM ड्यूक 200।
ये सबसे बड़ी बात है। तो ये गड्डी भी सोच रही होगी मतलब कि मैं 1600 किलोमीटर चल के आई हूँ, ये गड्डी सोच रही होगी मोहतरमा हमारी। तो मतलब समझ ही सकते हो, इसका हालत तो ऐसे ख़राब नहीं हुआ है, काफ़ी ठीक है, बट इस बाइक को भी वॉश करवाना है, वो तो अगले ब्लॉग में देखेंगे, मैं भी दिखाएंगे। और बाकी बाइक तो बहुत खूबसूरत दिखती है, चेहर एकदम, क्योंकि मैं भी KTM लगा रही हूँ, देख लो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अगला ब्लॉग इसी पे लेके आऊँगा, अभी तक मैंने इसके राइड नहीं ली है, तो मैं राइड करके भी दिखाऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, अगर आप लोग बोलोगे तो। बाकी बाइक तो काफ़ी, बस जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, होप करता हूँ पसंद आया हो ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना बिना सोचे समझे, और अगला ब्लॉग किस पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि अगला ब्लॉग आएगा, बढ़िया ब्लॉग आएगा, काफ़ी तगड़ा ब्लॉग आएगा, आएगा अगर तो तगड़ा ब्लॉग के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक तक लिए बहुत फ्लो में बोल देता हूँ मैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय पब्लिक। लव यू ऑल, बाय बाय। चलो ब्लॉग खत्म।